आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये सदन इस तरह से संत रविदास जी महाराज जी का मंदिर तोड़ा गया, उससे केवल दलितों की भाव के सभी धर्मों के लोग उनका बेहद सम्मान करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। जहाँ सब लोग बराबर हों, जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ सबको खाने को मिले, जहाँ सबको एक जैसी सुविधाएं मिले, जहाँ उन्होंने जिस किस्म के समाज की परिकल्पना की थी, जिस किस्म के राज की परिकल्पना की थी, मैं उनकी वाणी बड़े समसब बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सब ऐसा प्रतीत होता है कि संत रविदास जी महाराज अदृश्य तौर पे अपने आशीर्वाद से दिल्ली सरकार को चला रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर किसी के पास पैसा ना हो, गरीब से गरीब इंसान हो, तो उसको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इंतजाम दिल्ली सरकार ने, और अन्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंतजाम दिल्ली सरकार ने कर दिया। दूसरी बात, मैंने अखबारों में पढ़ा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वाली जमीन छोड़ दो, कहीं और किसी और जमीन पे हम बड़ा मंदिर बनवा देंगे। एक तरफ ये करोड़ों लोगों की आस्था का तो सवाल है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ वो लोग ये नहीं समझते कि वहां संत रविदास जी महाराज कुछ दिनों के लिए रहे थे, वहां उनकी वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस आपको कहीं और किसी स्थान पे नहीं मिल सकती। अगर संत महात्माओं की ऐसे स्थान को हम लोग वहां पे मंदिर नहीं बनाएंगे, तो दूसरी जगह के ऊपर मंदिर बनाना बेमानी है। जो समाज अपने संत महात्माओं का मान सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे बस दुख इस बात का हो रहा है कि एक तरफ तो मंदिर तोड़ दिया गया और दूसरी तरफ इसके ऊपर गंदी राजनीति चल रही है। मैं सभी पक्षों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति ना करें इसके ऊपर। ये मामला राजनीति करने का नहीं है। हम सब लोगों को मिलके ये सोचना चाहिए कि वापस अपने को वहीं उसी स्थान पे मंदिर कैसे बनाना है। ये हमारे लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज जैसा मैंने कहा कि केवल दलित समाज के नहीं, सभी समाज के लोगों को इस मंदिर के टूटने से आहत पहुंची है। सभी समाज के लोग संत रविदास जी महाराज के अनुयायी हैं, लेकिन सीधे सीधे लगभग 12 से 15 करोड़ लोग देश के रविदास समाज से आते हैं। आज 12 से 15 करोड़ इस देश के लोग केंद्र सरकार से केवल 4-5 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। हम जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट आवाज होती है। जनता मालिक होती है जनतंत्र में। अगर किसी बात पे 12 से 15 करोड़ लोग 3-4 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, 5 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात मांग रहे हैं? वो तो उनको तुरंत दे देनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट में आती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूरे देश का फॉरेस्ट इस 4 एकड़ पे ही निर्भर करता है क्या? सारे देश का फॉरेस्ट इस 4 एकड़ पे ही बनेगा क्या? मैं आज ये मांग करता हूं कि ये 4-5 एकड़ जमीन अगर DDA रविदास समाज को दे दे, तो दिल्ली सरकार की 100 एकड़ जमीन मैं केंद्र सरकार को दे दूंगा। और जितना फॉरेस्ट आप क्या इस 4 एकड़ जमीन पे जितना एक
जितना फॉरेस्ट आपका इस 4 एकड़ जमीन पे है उससे कहीं ज्यादा घना फॉरेस्ट हम आपको 100 एकड़ जमीन पे बना के दे देंगे, 25 गुना जमीन पे आपको हम बना के दे देंगे। ये बात, इस बात का समाधान केवल केंद्र सरकार के पास है, केवल केंद्र सरकार इसका समाधान कर सकती है। मेरा निवेदन ये है, अभी तक जिस तरह से कोर्ट में केस चला, इस मंदिर की जो सोसाइटी है उन्होंने कोर्ट में केस किया, केंद्र सरकार ने और डीडीए ने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से पहले वो हाई कोर्ट में हार गए और उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए। अगर इसका विरोध ना किया जाता हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों पक्ष जाके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कहते जी हाँ ये समाज की जमीन है, संत रविदास जी महाराज की जमीन है और हमें इनको दे देनी चाहिए, जब दोनों ही पक्ष खड़े होकर कोर्ट में कह देते तो कोर्ट मान जाता। मैं आज केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम सब लोग, सारी पार्टियां, राजनीति से ऊपर उठ के कोशिश करें कि सब लोग अब जाके जो प्रस्ताव इन्होंने दिया है, दिल्ली सरकार ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार है। एक मिनट आप बैठ जाए। हम अपनी तरफ से, हम इस केस में पार्टी भी नहीं है, दिल्ली सरकार इस केस में पार्टी भी नहीं है, इस केस में केंद्र सरकार पार्टी है, एलजी पार्टी है और डीडीए पार्टी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे विजेंद्र जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? अध्यक्ष जी, अगर क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आपको फिर वही दिक्कत है, आपको परेशान बहुत क्यों नहीं है? कोर्ट का आदेश नहीं है, कोर्ट का आदेश नहीं है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? आप बेवकूफ बना रहे हैं पूरे सदन को। आप लैंड यूज चेंज करने का, नहीं, लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? बैठ जाइए। नहीं, ओम प्रकाश जी बैठिए, आप बैठिए। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। लैंड यूज चेंज करने का किसको अधिकार है? लैंड यूज चेंज करने का किस? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ठीक लाइन पे जा रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री ठीक लाइन पे जा रहे हैं। अब विजेंद्र जी प्लीज, आप बीच में टोका टोकी मत करिए। आपने नहीं, किसको? आप बैठ जाइए। नहीं, आपने अपनी बात पूरी की है, तमाशा बना रखे हैं, बैठ जाइए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर मुख्यमंत्री जी को रो, मैं किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री को अगर रोकेंगे मैं सहन नहीं करूंगा। बैठ जाइए। सदन को आप पूरी दुनिया को मिसलीड कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अजय सर जी बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे बेहद खेद है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की गंदी राजनीति हो इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन जब वो विजेंद्र जी, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ आपको, लास्ट वार्निंग, इफ यू विल स्पीक आई हैव टू टेक एक्शन। ओम प्रकाश जी, मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। मार्शल्स, ओम प्रकाश जी को, विजेंद्र को बाहर करें। चलिए, दोनों को बाहर करें, ओम प्रकाश जी को, विजेंद्र जी को बाहर करें, ओम प्रकाश जी को, विजेंद्र जी को बाहर करें। नहीं, कोई तमाशा है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सदन के नेता बोल रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? गुंडागर्दी कर रहे हैं आप, गुंडागर्दी पे आए हुए। कार करें, चलिए बाहर करिए दोनों को, मार्शल्स बाहर करें।
जल्दी बाहर करें, तुरंत तुरंत बाहर करें, चलिए बाहर करिए दोनों को, हम बाहर करिए। चलिए राखी जी इधर से नहीं, राखी जी इधर से मत बोलिए, हाँ मैं कर रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ अपने आप, आप चलिए। अध्यक्ष जी मैं ये कह रहा था कि इसका अपने को समाधान निकालना जरूरी है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीके तो जैसे अभी कई सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने और डीडीए ने सारे तथ्य नहीं रखे। एक तरह से केंद्र सरकार ने और डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाई है और ये जमीन से मंदिर तुड़वाया है। अब उनको ये समझ में आ गया कि मामला कितना संगीन है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं उससे उनको समझ में आ गया कि किस तरह से कितने बड़े स्तर के ऊपर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जैसा मैंने कहा कि अगर केंद्र सरकार और डीडीए चाहती तो कोर्ट के अंदर ही कह देती, विरोध करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट के अंदर उन्होंने क्यों कहा डीडीए ने कि ये इलीगल जमीन है और एनक्रोचमेंट हटाई जाए। कोर्ट के अंदर डीडीए और केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने मिलकर इसका विरोध क्यों किया पिटीशन का। जब वो लोग गए थे कोर्ट में उनको सीधे सीधे कह देते हाँ जी हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार हैं। दोनों अगर पक्ष कह देते तो कोर्ट जजमेंट दे देता इनके पक्ष में। लेकिन अब जब इनको समझ में आ गया है, अभी दो तरीके हैं। एक तो ये कि कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन या जो भी पिटीशन वो तो वकील बताएंगे जो भी डाल के, और कोर्ट को सारे तथ्य रखे जाए और कहा जाए जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हुए और लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ये जमीन रविदास समाज को देने के लिए तैयार है। अगर ये ऑप्शन है इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और इसको ट्राई किया जा सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो मेरी समझ में ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए केंद्र सरकार को तुरंत, और ऑर्डिनेंस जैसा भी जो प्रस्ताव रखा गया है ऑर्डिनेंस पास करके ये 4-5 एकड़ जमीन तुरंत रविदास समाज को दे दी जाए। और जो अभी मैं सुन रहा था सभी सदस्यों का ये भावना है, सभी सदस्यों की सदन की भावना है कि अगर केंद्र सरकार ये 4-5 एकड़ जमीन रविदास समाज को दे देती है तो सदन के सदस्यों की भावनाओं को मान रखते हुए और पूरे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और संत रविदास जी महाराज के प्रति हमारा जो सम्मान है उसको ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि वहाँ पे हम दिल्ली सरकार की तरफ से एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। चाहे इसके लिए हमें चाहे जितने पैसे खर्च करने पड़े मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।